नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतु आचार्य। 19 नवंबर संडे यानी रविवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। आज है छठ पर्व का तीसरा दिन और आज के शाम का अर्घ बहुत महत्व रखता है। खास करके कहते हैं कि इस अर्घ को देते समय अगर आप छठी मैया का ध्यान करते हैं, सूर्य देवता का ध्यान करते हैं, सूर्य देवता के मंत्रों का भी जाप करते हैं, मन ही मन में स्मरण करते हैं, तो आपके ऊपर आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। तो ये संध्या का अर्घ बहुत महत्व रखता है और कल सुबह का अर्घ होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, अपने आप में महत्व रखता है ये अर्घ। और इसी सुबह के अर्घ के साथ ही समापन हो जाता है छठ पर्व। चलिए, जिनका आज के दिन बर्थडे है उनके लिए एक छोटा सा उपाय जरूर लेकर के हम आए हैं, उसका आपने इंतजार करना है। लेकिन घर में दो बच्चे आपस में दुश्मन, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ बैठ करके खाना भी नहीं खाना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, यानी माता पिता ये परेशान है कि बच्चों का आपसे प्यार कैसे हो। कुछ गलती, कुछ चूक हो रही है कहीं घर के अंदर। हम उपाय बताएंगे कि कौन सी गलती हो रही है और कौन सा उपाय करें आप, ताकि आपके दो बच्चे हैं तो दोनों एटलीस्ट मिलजुल करके तो रहे। एक दूसरे के साथ मिलना तो बड़ी दूर की बात है, शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, जंग का मैदान बन गया आपका घर। तो हम चाहते हैं आपके बच्चे आपस में मिलजुल करके रहे और बहुत ही प्यार से रहे। तो हम एक छोटा सा उपाय बताएंगे, उसे आप जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले, जिनका आज के दिन बर्थडे है उन्हें क्या उपाय करना है। आज के दिन आपने गुड़ और चने हनुमान मंदिर में जाकर के जरूर चढ़ा देने। दूसरा, कोई जरूरतमंद वृद्ध बुजुर्ग अगर आपसे मदद मांगे तो मदद जरूर कीजिएगा, मिठाई जरूर बांटिए और दक्षिणा सहयोग। कोई जरूरतमंद वृद्ध आदमी अगर आपसे मदद मांगे तो दक्षिणा भी जरूर दीजिएगा। ये उपाय कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और अपने बर्थडे को खुशनुमा बनाइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। लेकिन दो बच्चे बड़े लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि जान आफत में आ जाती है पेरेंट्स की। बड़ा वैसा नहीं होगा, छोटा सा उपाय है, जल्दी बताएंगे कौन सा उपाय करना है आपने। पहले हाल राशियों का, पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शादी की बात बिल्कुल घर में मत चलाइएगा आज के दिन, ना हो जाएगी सीधा। कारोबार में उन्नति के योग है, शुभ अंक की बात करें वो रहेगा दो, शुभ रंग रहेगा आपके लिए फिरोजी। फिरोजी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस, विवादों को बढ़ावा मत दीजिएगा। कई बार ऐसे होता है कि छोटी सी बात होती है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं अब तो देखते हैं क्या होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आज के दिन आपने। झगड़ों से दूर रहने का प्रयास करना है, वरना कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं। पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात हो सकती है, शुभ अंक की बात करें वो रहेगा तीन, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप चाहें तो कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, लेन देन में किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें, आलस के चलते आपके काम बिगड़ सकते हैं, समय का सही यूटिलाइजेशन करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा आठ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए भूरा। भूरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, अधिक विश्वास आपको धोखे में डाल सकता है, काम और परिवार के बीच में तालमेल बना करके रखें, धन का नुकसान हो सकता है, अपनी पॉकेट अपनी मनी जरा संभाल करके रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा नौ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। लियो यानी सिंह राशि की बात करते हैं, बुरे विचार मन के अंदर ना लाएं, बुरी संगति से दूर रहने का प्रयास करें, अपने मन को शांत रखें और अपने खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा पांच, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं, सिर्फ सोचे नहीं काम के ऊपर भी ध्यान देने का प्रयास करें, वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग ना करें, धन कमाने के नए सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा तीन, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद। सफेद रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं, विरोधी आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने काम को हल्के में ना लें,
थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, किसी की निंदा ना करें। शुभ अंक की बात करें रहेगा नौ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, विवाह के कुछ आपको ऑफर्स आएंगे, प्रस्ताव आ सकते हैं, तो अच्छे प्रस्ताव होंगे। अगर आप चाहें तो घर में बात चला सकते हैं। धन संभाल करके रखें, अपना इम्पोर्टेंट काम आज ही के दिन पूरा कर लें। शुभ अंक की बात करें रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, अपने राज किसी को ना बताएं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, बुरी संगति से दूरी बना करके रखें। शुभ अंक की बात करें रहेगा पांच, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, भूमि से संबंधित कोई भी काम आज के दिन करेंगे तो नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती है। दोस्ती का हाथ सोच समझ करके बनाए, नया काम मिलने की संभावना है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा दो, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, विश्वासघात से बचने का प्रयास करें, अधिकारियों से बिल्कुल ना उलझे। धन से जुड़ा हुआ विवाद आज के दिन आपको फेस करना पड़ सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा नौ, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। कर्ज ना लें क्योंकि कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है। यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यात्रा सुखमय रहेगी। अपने घर का सपना आपका पूरा हो सकता है। शुभ अंक की बात करें रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून। मैरून रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। अब आती है बात समस्या की। समस्या कौन सी? बच्चे घर में दो, लेकिन बच्चे दो ही अच्छे कहते हैं, पर दो बच्चे तब अच्छे कहते हैं ना जब शांत से रहे। जब एक दूसरे की ऐसी तैसी करने पर लगे हों तो तब कहाँ से अच्छे होंगे? तब तो आपको जंग ही संभालने लगे पड़े रहते हैं। तो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं जब बच्चे एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुनते, एक दूसरे के साथ बिल्कुल तालमेल बना करके नहीं चलते हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए कोई गलती तो नहीं हो रही। एक कि बच्चों का आमने सामने एकदम कमरा जो होता है आमने और सामने नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या एक बच्चा अगर आमने सामने भी है तो दूसरी कंडीशन भी तो नहीं है कि दो कंडीशन एक जैसी हो जाए तो और भी खराब हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि बच्चे के एक बच्चे का जिस तरफ पैर है कहीं दूसरे बच्चे का उस तरफ सिर तो नहीं है, यानी बेड डायरेक्शन वैसी तो नहीं है, तब भी उन बच्चों में नहीं बनती है। आपने उपाय क्या करना है? दोनों की फोटो फ्रेम में लीजिएगा, लेकिन आजकल ये चलन बन गया है ना, एक फ्रेम छोटा, एक थोड़ा सा बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसे डिजाइनर नहीं करना चाहिए। दोनों के एक जैसे इक्वल स्पेस में फ्रेम होने चाहिए। दोनों का एक ही फ्रेम के अंदर दो पोर्शन बने होते हैं, उसमें आप बच्चों की फोटो लगाइए। एक बच्चे के कमरे में ये फोटो लगानी है, दूसरे बच्चे के कमरे में दोनों की इकट्ठी फोटो लगानी है एक ही फ्रेम के अंदर। ये कीजिए, और अगर आमने सामने का कमरा है तो बदल डालिए, चेंज कर दीजिए। देखिएगा आपके बच्चों में कितना प्यार होने लगेगा और ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। हर सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ हाजिर होते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।